Hello dear students, good morning. How are you? I hope you all are fine and taking care of your health. Welcome to the new video of revision. Today we are completing our writing paragraph. So आप सब लोगों ने revision number 9 और 10 के worksheet तो देखी होगी, उसमें है paragraph. We are recapitulating our paragraph writing. Let's start. और देखते हैं कि हमारा वर्कशीट है वो क्या है. लेट्स स्टार्ट राइटिंग रिवीजन नंबर 9. रिवीजन नंबर 9 में आपको 2 पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, जिसमें से है माय स्कूल और माय सेल्फ. सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय स्कूल. सो लेट्स स्टार्ट. द नेम ऑफ माय स्कूल इज वेरियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी. इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो हमने आपको बता दिया इसमें क्या लिखना है. फिर दूसरा है माय स्कूल इज डैश एंड डैश, तो आपका स्कूल कैसा है. तो माय स्कूल इज बिग एंड ब्यूटीफुल. बिग और ब्यूटीफुल है ना. फिर आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. देयर इज अ बिग डैश टू प्ले. यहाँ पे खेलने के लिए क्या है. यस करेक्ट, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड टू प्ले. नेक्स्ट सेंटेंस इज There is big desk and a desk lab. तो यहाँ पे बड़ा सा क्या है. Yes, correct. There is a big library and computer lab. जो आप लोगों ने तो देखा ही होगा. So, I love to go to school every day. आप सबको भी स्कूल जाने का मन कर रहा होगा ना, तो आप लोगों को भी आपको स्कूल अच्छा लगता होगा. So, we complete here the sentence. I love to go to school every day. चलिए अब हम इस पैराग्राफ को फिर से एक बार रीड करते हैं. द नेम ऑफ माय स्कूल इज रेडिएंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी. माय स्कूल इज बिग एंड ब्यूटीफुल. देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड टू प्ले. देयर इज बिग लाइब्रेरी एंड अ कंप्यूटर लैब. I love to go to school every day. तो क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट हो गया है. अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय सेल्फ. इसमें आपको अपने बारे में बताना है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज माय नेम इज. माय नेम इज आपका नाम क्या है. आपका नाम जो भी है आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में फिल कर सकते हैं. जैसे मैंने फिल किया है माय नेम इज मनीषा. आई एम डैश इयर्स ओल्ड. इसमें आपको बताना है कि आप कितने साल के हैं. कोई 6 इयर्स का होगा, कोई 7 इयर्स का होगा, कोई 8 इयर्स का होगा. आप जितने इयर्स के हैं, आपकी एज जितनी है, आप वहाँ पे उसको फिल करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम 8 इयर्स ओल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है आई लिव इन डैश. आप कहाँ पे रहते हैं, आपका हाउस कहाँ पे, किस जगह पर है, उस जगह उस प्लेस का नेम लिखना है. जस्ट आई राइट आई लिव इन जलालपुर. ओके नेक्स्ट सेंटेंस द नेम ऑफ माय स्कूल इज. आप लोगों को तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपके स्कूल का क्या नाम है. सो वी कंप्लीट द नेम ऑफ अवर स्कूल. द नेम ऑफ माय स्कूल इज रेडिएंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी. नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम इन क्लास डैश. आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं. यस करेक्ट, यू आर स्टडीइंग क्लास 1. सो यू राइट हियर आई एम इन क्लास फर्स्ट. माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. आप यहाँ पे इंग्लिश की जगह कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. मैथ हो सकता है, हिंदी हो सकती है, ड्रॉइंग हो सकती है. तो वॉट एवर यू लाइक यू राइट हियर. आई लाइक टू प्ले डैश. आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है. लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस. जैसे मैंने यहाँ पे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल. नेक्स्ट इज आई लाइक टू ईट. आपको कौन सी डिश पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई लाइक टू ईट मोमोज. मुझे तो मोमोज बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट सेंटेंस है माई फेवरेट कलर इज. आपका फेवरेट कलर क्या है. मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है. सो आई राइट हियर माई फेवरेट कलर इज पिंक. नेक्स्ट इज आई वो
be a dash when I grow up. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनना चाहूंगा? I want to become a teacher. So I write here teacher. आपको क्या बनना है? You can write here. आप डॉक्टर लिख सकते हैं. You want to be a pilot, engineer, whatever you want, you have to fill here. Whatever you want, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं. चलिए, हमारा रिविजन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया है. अब हम देखते हैं हमारा रिविजन नंबर 10 क्या है. एंड रिविजन नंबर 10 इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माई मदर. यस, आपको अपनी मदर के बारे में बताना है. लेट्स स्टार्ट. द पर्सन आई लाइक द मोस्ट इन द वर्ल्ड इज माई डैश. आपको भी इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पसंद है, आप प्यार करते हैं, वो होती है आपकी मदर. सो राइट हियर, द पर्सन आई लाइक द मोस्ट इन द वर्ल्ड इज माई मदर. शी इज डैश एंड डैश. आपकी मदर भी ब्यूटीफुल और काइंड है ना. सो शी इज काइंड एंड ब्यूटीफुल. शी टेक्स सो मच केयर ऑफ मी. आपकी वो बहुत ज्यादा देखभाल करती है. आई टेल हिम डैश टू हर. आप उनको क्या बताते हैं? आप उनको सब कुछ बताते हैं ना. सो फिल हियर, आई टेल एवरीथिंग टू हर. शी डैश ऑल माय प्रॉब्लम. वो आपकी प्रॉब्लम का क्या करती है? सॉल्व करती है ना. सो राइट, शी सॉल्व्स ऑल माय प्रॉब्लम्स. शी टीचेस मी गुड मैनर्स. वो आपको गुड मैनर्स सिखाती है. यस, नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश माय मिस्टेक्स. और वो आपके मिस्टेक्स को क्या करती है? करेक्ट करती है. शी करेक्ट्स माय मिस्टेक्स. शी डज डैश आई वांट. और वो आप जो चाहते हैं वो सारे वर्क करती है ना. सो राइट हियर, शी डज एवरीथिंग आई वांट. आई लव माय मदर. शी इज बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आपका पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया है. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा आज का होमवर्क क्या है. एंड द होमवर्क इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय स्कूल बैग. आपको अपने स्कूल बैग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है. सो स्टूडेंट्स, अब बारी है आपकी. आप अपना मैच करिए आंसर और स्टार्ट करिए रिविजन, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं. सो बी प्रिपेयर एंड टेक केयर यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, थैंक यू, बाय.